जीते जी मर जाओगे। जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, सिर्फ ज़िंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। लालच का रास्ता कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा। अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1,00,000 रुपए मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला, भिखारी बनने का नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता। और होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूं पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉर्मल बीइंग से सुपर ह्यूमन बन जाओगे। खैर ध्यान से देखो अपने आसपास में, जो भी लोग जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जादू नहीं है? जादू है। ए आर रहमान का म्यूजिक सुनो, कई बार हुआ है आप लोगों के साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, सुनते सुनते खो गए और बाहर आए, कहीं कमाल है यार ये क्या है, ये इट्स प्योर मैजिक, मैजिक। क्रिकेट का मैच देख रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देखा और कहा मैजिक, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ये आता है माइंड में कि इट्स प्योर मैजिक। मन करता है बार बार देखने का, मन करता है। किसी एंटरप्रेन्योर को देख रहे होते हो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हुए, अंदर से क्या आवाज आती है, मैजिक, कमाल है यार। मेरे माइंड में बहुत आता था, लेकिन आज जब उन सारे स्टेजेस को मैं क्रॉस कर चुका हूं तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप सबको ये बात बोल सकता हूं, और हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना कि मैजिक मैजिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की, सिर्फ खेल है। और हम सब आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग खेल खेल रहे हैं, हम सब खिलाड़ी हैं, अलग अलग फील्ड्स के खिलाड़ी हैं। बस फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की ऑब्जर्वेशन पावर्स थोड़ी सी कम डेवलप हुई है क्योंकि उसने उस पर कम काम किया है, किसी ने ज्यादा काम किया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा डेवलप होगी, जिस वजह से वो उन चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके भी नहीं देख पा रहे, और वो उन चीजों को कर पा रहा है जो और लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहे। दूसरा फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, और किसी की बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मैजिशियन 2 मिनट की ट्रिक दिखाता है जिसको देख करके लोग बोलते हैं भाई यार कमाल मैजिक है, मैजिक है। उस ट्रिक के लिए कितने साल उसने लगाए हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, वो कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। सब बकवास है, मैजिक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो।